नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UK वीडियो वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रानीखेत के भ्रमण पर ले चलेंगे। जी हाँ, हम आपको रानीखेत में स्थित 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। रानीखेत उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थल है। यह अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थित एक फौजी छावनी है। रानीखेत देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ बर्फ से ढकी मध्य हिमालय श्रेणियाँ साफ तौर पर आपको देखने को मिल जाएंगी। रानीखेत में आकर एक नैसर्गिक शांति मिलती है जो दिल को सुकून से भर देती। 1869 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय की स्थापना की गई थी और यहाँ कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर संग्रहालय भी बना हुआ है। तो अब बताते हैं आपको रानीखेत के पर्यटन स्थल के बारे में। तो सबसे पहला जो पर्यटन स्थल है रानीखेत का, वो है गोल्फ कोर्स। तो रानीखेत गोल्फ कोर्स रानीखेत के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है। रानीखेत का ये गोल्फ ग्राउंड सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ये सुंदर गोल्फ मैदान चीड़ के वृक्षों से घिरा हुआ है और रानीखेत नगर से ये लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और रानीखेत का जो गोल्फ कोर्स है, उसे गुलमर्ग के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्फ मैदान माना जाता है। सुंदर हरी और मखमली घास उड़ा हुआ ये जो गोल्फ मैदान है, ये सिर्फ देसी पर्यटकों को ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी लुभाता है। रानीखेत गोल्फ कोर्स में 9 होल का कोर्स है। ये गोल्फ खिलाड़ियों के लिए एक विश्राम गृह भी इसमें उपलब्ध है, जो कि सभी तरह की सुख सुविधाएं जो हैं वहां पर मिलती हैं। गोल्फ ग्राउंड से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर कालिका मंदिर भी है, जो कि घने वृक्षों के बीच एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। और कालिका मंदिर भी जो है रानीखेत का एक काफ़ी फेमस जो है मंदिर है। दूसरा आता है कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर। तो कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर या KRC के नाम से भी इसे जाना जाता है, कुमाऊं और नागा रेजिमेंट द्वारा संचालित एक म्यूजियम है। यहाँ जो अलग अलग युद्ध में पकड़े गए अस्त्र और ध्वज जो हैं प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा इस म्यूजियम में ऑपरेशन पवन के समय जो पकड़ी गई LTTE थी, उसकी एक नाव भी है। ये संग्रहालय 1970 के दशक में बनाया गया था ताकि जो कुमाऊं क्षेत्र की विरासत है, वहाँ के रीति रिवाज हैं, उन्हें जो है इसमें प्रदर्शित किया जा सके। और इस संग्रहालय में आपको हथियार, फोटो आदि का शानदार तरीके से जो है प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जो अपनी सेना के ऐतिहासिक भव्यता और महत्व का जो है परिचय देता है। अब तीसरा आता है चौबटिया। तो रानीखेत नगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर चौबटिया स्थित है और इसमें खुमानी, आड़ू, बादाम और सेब के कई उद्यान जो हैं स्थित हैं। ये एशिया के सबसे बड़े फलों के बगीचे में से एक है और साथ ही यहाँ पे सरकार के द्वारा स्थापित किया गया एक विशाल फल संरक्षण केंद्र भी मौजूद है। और चौपटिया में आपको फलों और फूलों की लगभग 200 अलग अलग प्रजातियां जो हैं देखने को मिलेंगी और उनके बाग यहां पर मौजूद हैं। इस जगह से आप हिमालय, नंदा देवी, नीलकंठ, त्रिशूल और नंदा घुंटी के विहंगम दृश्य जो है वो आसानी से देख सकते हैं। चौपटिया का हॉर्टिकल्चर गार्डन 265 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत के विशालतम हॉर्टिकल्चर गार्डन्स में से ये एक है। इस गार्डन में 36 किस्म के सेब उगाए जाते हैं, जिनमें से 4 किस्मों का निर्यात भी जो है किया जाता है। इसके अलावा चौबटिया एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद आपका आता है आशियाना पार्क। तो आशियाना पार्क रानीखेत नगर के मध्य में स्थित है। कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा जो है निर्मित किया गया है और विकसित किया गया है। इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी अच्छा जो है एरिया है, काफ़ी सारे झूले आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे बच्चों के लिए खास करके जंगल थीम में जो है इसे बनाया गया है। और आशियाना पार्क इस क्षेत्र का पहला पार्क है और इसमें हर्बल उद्यान और एक रंगीन फवारा भी जो है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो हिमालय पर्वतमालाएँ हैं, उनके दृश्य भी यहाँ से देखने को
मिल जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए काफी अच्छा जो है पार्क है, जहाँ पर बच्चे जो है अपना काफी सारी एक्टिविटीज जो है कर सकते हैं। साथ ही जो भी रानीखेत आने वाले पर्यटक होते हैं वो आशियाना पार्क में आना पसंद करते हैं और वहाँ पे अपना कुछ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। अगर आप भी आशियाना पार्क में कभी घूमने के लिए जाएं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि मंगलवार को और जो सरकारी छुट्टी होती है उस दिन ये पार्क बंद रहता है, बाकी के जो डेज होते हैं उन दिनों में ये खुला रहता है। पाँचवा जो पर्यटक स्थल है रानीखेत का वो है मन कामेश्वर मंदिर। तो मन कामेश्वर मंदिर रानीखेत से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है और नरसिंह मैदान के बगल में ये स्थित है। स्थानीय लोग ऐसा बताते हैं कि मन कामेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो 1978 में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के द्वारा किया गया था और ये स्थान जो है रानी झील के पास जो है आर्मी कैंटोनमेंट जो एरिया है उसमें स्थित है। मन कामेश्वर मंदिर में भगवान शिव, माँ कालिका और राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है और ये मंदिर भी देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। तो यहाँ की जो सुंदरता है वो हर एक पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी मंदिर के पास में गुरुद्वारा और ऊनी वस्त्र कारखाने भी हैं और पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कोई भी भक्त या जो श्रद्धालु है वो अगर मन कामेश्वर मंदिर में सच्चे मन से मनोकामना करता है तो उसकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। और भक्त जो होते हैं ना, जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो इस मन कामेश्वर मंदिर में वो भेंट के स्वरूप जो है घंटी और त्रिशूल भेंट करते हैं। और मन कामेश्वर मंदिर में हर साल जन्माष्टमी के दिन कुमाऊं रेजिमेंट के जो जवान होते हैं उनके द्वारा सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं और साथ ही मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। उत्तराखंड के रानीखेत में एक और बेहद चर्चित पर्यटक स्थल है जिसका नाम है सेंट ब्रिजिट चर्च। तो सेंट ब्रिजिट चर्च रानीखेत का सबसे पुराना चर्च है। इस चर्च की सबसे जो उल्लेखनीय विशेषता है ना वो इसकी वास्तुकला है और इसकी जो वास्तुकला है वो इसके प्राचीन युग की झलक देती है। इसके बाद बात करते हैं रानी झील की। तो रानी झील नरसिंह मैदान के समीप वीर नारी आवास के नीचे स्थित है और रानी झील एक विशाल झील है जिसे वर्षा के जल संचयन के उद्देश्य से जो है छावनी बोर्ड ने कृत्रिम रूप से विकसित किया था। और रानी झील आपकी समुद्र तल से 7500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर आप नौका विहार का आनंद भी ले सकते हैं। और रानीखेत नगर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। इसके बाद रानीखेत का एक और बेहद प्रमुख पर्यटक स्थल है जिसे हम बिनसर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। तो बिनसर महादेव मंदिर एक लोकप्रिय शिव मंदिर है। तो ये जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित किया गया है और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में जो है किया गया था। समुद्र तल से ये 2480 मीटर की ऊँचाई पर बना हुआ है और जो ये मंदिर है ये हरे भरे देवदार के जो पेड़ हैं उनसे घिरा हुआ है और मंदिर के पास जो देवदार और चीड़ के जंगल हैं उन्हीं के बीच में जो है एक आश्रम भी है। इस मंदिर में गणेश, हरगौरी और महेश मर्दिनी की मूर्तियां हैं और ये मंदिर जो है अपनी सुंदरता के अलावा अपनी स्थापत्य कला के लिए माना जाता है। महेश मर्दिनी की जो मूर्ति है 9वीं शताब्दी की तारीख में नगरी लिपि में ग्रंथों के साथ जो है ये उत्कीर्ण है और ऐसा माना जाता है कि ये जो मंदिर है वो राजा पिट्ठू ने जो है अपने पिता बिंदु की याद में इसे बनाया था और इसी वजह से इसे बिंदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस जो बिनसर महादेव मंदिर है इसे सिर्फ एक ही दिन में बना दिया गया था और बहुत सारी महिलाएं आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो है वहाँ पर दिख जाएंगी। वो इस मंदिर में आती हैं और अपने हथेली पर एक जलता हुआ चिराग रखकर जो है बच्चे के लिए प्रार्थना कर। इसके बाद भालू डैम, ये भी एक काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है रानीखेत का। तो भालू डैम जो है वो चौबटिया के जो बगीचे हैं उनसे नीचे 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटी सी कृत्रिम झील है और यहाँ से भी आप हिमालय जो श्रृंखलाएँ हैं उनका मनोरम दृश्य इजीली जो है देख सकते हैं। तो ये जो भालू बांध है इसके आसपास के क्षेत्र में उद्यान भी है तो वहाँ पर जो है उद्यान में अपना टाइम बिताया जा सकता है। और ये जो बांध है ये 1903 में ब्रिटिश सरकार ने जो है इसे बनवाया था और भालू बांध जो है ना वो फिशिंग के लिए काफ़ी मशहूर है।
तो चौबटिया अगर जाएं तो वहां से फिर भालूबान भी जो है इजीली जाया जा सकता है। तो अगर चौबटिया देखने के लिए जाएं तो भालूबान को देखना भी ज़रूर बनता है, क्योंकि ये भी काफ़ी जो है अच्छा है और वहाँ पर फिशिंग भी जो है ट्राई की जा सकती है। इसके बाद रानीखेत का एक और बेहद प्रमुख स्थल है जिसे ताड़ीखेत के नाम से जाना जाता है। तो ताड़ीखेत रानीखेत से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है, और ये गांव जो है ना वो गांधी कुटिया के लिए प्रसिद्ध है। मतलब गांधी कुटिया एक छोटी सी कुटिया है जिसमें जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी थे वो एक बार रहे थे। तो और ये जो पर्यटन स्थल है ताड़ीखेत, ये भारत में जब ब्रिटिश राज था तो उनके खिलाफ जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका भी एक प्रतीक के रूप में से देखा जाता है। और ताड़ीखेत के पास में ही गोलू देवता मंदिर भी है। तो ताड़ीखेत दो चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है, एक गांधी कुटिया जो वहाँ पे है और एक दूसरा जो गोलू देवता का मंदिर है, उसके लिए जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। तो ये थे रानीखेत के 10 मुख्य पर्यटक स्थल जिसमें जो है आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए, और अगर आपको भी अपनी व्यस्तता से कभी फुर्सत मिलती है तो इन पर्यटक स्थलों को देखना ना भूलें, क्योंकि ये काफ़ी जो है खूबसूरत हैं और यहाँ पे पर आपको जो है एक आत्मीय सुख की अनुभूति होगी जो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं खो सी गई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में हमारे चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।